नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल एड अप्रूवल कैसे वर्क करता है, ये एड अप्रूवल का जो प्रोसेस है गूगल का वो कैसे काम करता है। दोस्तों, क्योंकि अगर आप गूगल एड्स बनाते हैं या बनाएंगे या उसमें एक्सपर्टेज हासिल करेंगे तो आपको इस प्रोसेस के बारे में जानकारी होगी, तो ये आपके बेनिफिट की बात है। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने एक एक चीज़ इसमें बताई है, प्लस आपको लिंक भी दिया है कि आप उस चीज़ को और डिटेल में जाके आगे चल के स्टडी कर पाओ। तो इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये यूज़ आएगी आपके हमेशा हर एड में। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गूगल एड्स अप्रूवल वर्क प्रोसेस, मतलब गूगल के एड्स को अप्रूव्ड कराने का एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस कैसे काम करता है इस वीडियो में आप जानोगे। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, कभी ना कभी हेल्प करेगा, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक गूगल एड्स अकाउंट में लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको वीडियो एड्स हमने कुछ बनाए हैं उसके थ्रू आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने कुछ कैंपेन्स में चलते हैं, हमने कुछ कैंपेन्स बनाए, कैंपेन्स बनाने के अंदर हम आते हैं यहाँ पर एड्स के अंदर, एड्स एंड एक्सटेंशन, यहाँ पर हम अपने एड्स देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ एड्स आ रहे हैं, वीडियो एड्स मैंने बनाए हैं, डिसअप्रूव्ड हो गया एक, अप्रूव्ड है। और कई बार क्या होता है, कोई एड अंडर रिव्यू भी होता है जो अप्रूव्ड नहीं होता, तो वहाँ पर आपको अंडर रिव्यू यहाँ पर शो कर रहा होगा, मतलब उस प्रोसेस में होगा, अंडर रिव्यू के वो प्रोसेस में होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों कि अब सबसे पहले अगर आपका कोई एड अंडर रिव्यू है, अप्रूव्ड नहीं हुआ या वो डिसअप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि स्टेटस में या तो कोई चीज़ अप्रूव्ड होगी या डिसअप्रूव्ड होगी, और जब तक वो नहीं होती वो अंडर रिव्यू में रहती है। तो अंडर रिव्यू में अगर आपका एड है तो उसके लिए आप यहाँ पर आपका, मतलब जनरली अगर आपको वो पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, एड अप्रूवल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर ये जो मैं अब आपको एक एक इम्पॉर्टेंट लिंक्स ढूंढ के निकाले जो मैंने हैं और आपको बताऊंगा, उनको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दूंगा ताकि उनको आप कभी भी सेव कर लो, निकाल लो और यूज़ करके पढ़ सको। तो दोस्तों, प्रोसेस के बारे में जानना है, एड्स अप्रूव नहीं हो रहे तो जनरली यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, और किसी भी एड को अप्रूव्ड होने में जनरली गूगल 2 पूरे वर्किंग डेज मांगता है, मतलब सैटरडे संडे नहीं, वर्किंग डेज, जब उनकी टीम काम कर रही होती है, बिकॉज वो आपके एड को, एड ग्रुप को, कैंपेन को, पेमेंट मेथड को, कीवर्ड्स को, हर एक चीज़ को, वीडियो को, हर एक चीज़ को वो रिव्यू करते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है। कई बारी होता है कि आपका एड विद इन अ डे भी अप्रूव्ड हो जाता है, कई बार होता है 2 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं, और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर आपका ऑलरेडी पुराना अकाउंट है तो उसमें एड अप्रूवल जल्दी मिल जाएंगे, और अगर आपका अकाउंट नया है, आपने नया नया बनाया है, तो शुरुआत में नए एड्स के अंदर अप्रूवल आने में टाइम भी लग जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो एड अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये इधर अंडर रिव्यू रहेगा, मतलब में रहेगा 2 फुल वर्किंग डेज तक। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो एड है वो अंडर रिव्यू में, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एड्स आर अंडर रिव्यू इवन आफ्टर 24 बिजनेस आवर्स। तो उसके लिए यहाँ पर ये बोला हुआ है, एक मतलब लोग सजेशंस देते हैं, एक फोरम होता है उसके ऊपर आप देख सकते हो, Why are many ads still under review? It has been 3 to 5 days since I have created, waited. तो उसके बारे में किसी ने अपना जवाब दिया है, यहाँ पर लोगों ने अपना जवाब दिया है। तो इस तरीके के गूगल हेल्प या गूगल जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वहाँ से भी आपको बहुत सारे अलग अलग जवाब मिल सकते हैं, आंसर्स मिल सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं। हो सकता है किसी ना किसी एक्सपीरियंस से आपका रिलेशन हो, वो आपका रिलेट करता हो। ठीक है, तो जनरली दोस्तों अंडर रिव्यू में इशू आता नहीं है, अगर आता भी है तो जो गूगल एड्स की सपोर्ट टीम है, तो सपोर्ट टीम में आप कॉल भी कर सकते हो, चैट के थ्रू बात भी कर सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें आप उनको
बता सकते हो, ताकि वो लोग टीम जो बैठी है वो आपको सपोर्ट करेगी और आपको जानकारी देगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, गूगल एड्स में गूगल टीम का सपोर्ट भी मिलता है पढ़ने के साथ साथ, मगर कोई चीज़ इतनी बड़ी है नहीं तो उसको आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आपका मान लीजिए आपका ऐड अप्रूव्ड हो जाता है तो कोई इशू है ही नहीं, अगर आपका अप्रूव्ड हो गया तो आपके ऐड्स चलने लगेंगे और सब चीज़ें ओके हैं। मगर आप मान लीजिए आपका ऐड डिसअप्रूव्ड हो गया, जैसे ये डिसअप्रूव्ड आ रहा है, तो जनरली क्या है मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब यहाँ पर बोला ऐड वॉलेट्स पॉलिसी कैन नॉट रन, तो यहाँ पर मैं पॉलिसी रीड कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अपील कर सकता हूँ, जब मैं अपील करना चाहूँगा तो अपील कर सकता हूँ, तो उसका भी एक प्रोसेस है मेरा, ठीक है, तो मैं अपील कर सकता हूँ। मगर इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ जो कि है ये एड पॉलिसीज, गूगल एड पॉलिसीज, अगर हम कोई ऐसी इंडस्ट्री के लिए एड बना रहे हैं कि वहाँ पर इसके लिए अप्रूव्ड होते नहीं, या उसको अलाउ करा नहीं जाता, या हमने कोई ऐसे गलत शब्द यूज़ कर दिए हैं, या कोई ऐसी इमेज यूज़ कर दी है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस पेज में आप जो पढ़ सकते हो डिटेल में। हो सकता है उसमें से आपको आइडिया लग जाए, 15-20 मिनट बस आपके लगने और आपको एक आइडिया लग जाए हाँ आपने कोई गलती करी है, जिसको आप इम्प्रूव कर दोगे और सही कर दोगे अपने ऐड के अंदर, तो आपका ऐड रिव्यू में दोबारा जाएगा और वो अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे भी होता है, तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, 15-20-25 मिनट लगेंगे, अच्छे से एक एक शब्द को पढ़िए समझिए, ताकि आप अपने लेवल पे भी चीज़ों को सही करना जाने, और ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपर्टीज ही आपको एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लेवल पे ऊपर लेके जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों आपका एड डिसअप्रूव्ड हुआ है, फिक्स करना है, तो उसके लिए भी ये वाला लिंक मैं आपको दूंगा, यहाँ पर आप ये ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, गूगल एड्स का ट्यूटोरियल है, वो आपको गाइड करेगा, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो जो फैक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, अपील स्टेटस वगैरह देख सकते हो। तो ये सारे लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपका एड अंडर रिव्यू है, आपको कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, या आप कुछ गलती कर रहे हो जो कि आप पढ़ के सही कर सकते हो, या आप कॉल सपोर्ट पे भी बात कर सकते हो, या डिसअप्रूव्ड हो गया तो फिक्स कैसे कर सकते हो, अपील कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ों का आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। और पॉलिसीज़ के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी फ्यूचर में इसी सीरीज़ में और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले हैं, जिसमें पॉलिसीज़ भी एक एक में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि पूरा गूगल एड्स ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे इस एड सीरीज़ में हम कवर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने गूगल एड अप्रूवल प्रोसेस के बारे में जाना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत सारे लेटेस्ट कंटेंट और प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, ताकि हम गूगल एड सीरीज और गूगल एड्स आपको अच्छे से 360 डिग्री समझा पाएँ और करना भी सिखा पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस, या अगर आपके कोई कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर आप कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उनके ऊपर भी फ्यूचर में टॉपिक्स लेकर आएँ और आप लोगों को हेल्प कर पाएँ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।